प्राथमिकता ये होगी हमारी पार्टी का कि हमारे देश में देखा जाए तो बॉर्डर पर जो शहीद हो रहे हैं किसानों के बेटे हैं। मोदी जी ने किसानों के हक में कोई काम नहीं किया। आज ये होता है कि जो गरीब किसान है वहाँ से इन्होंने कहा कि मैं इतने रुपए क्विंटल का गेहूँ चावल में ले रहा हूँ। वास्तविकता यह सिर्फ कागज जो कोरा कागज है उस पर है। आज जाके किसानों का लीजिए, चाहे उड़ीसा में चले जाइए, बिहार में चले जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, किसानों आज वास्तव में किसान भुखमरी के स्थिति है। तो इस मुद्दों को लेकर के मजदूर जो हमारा है उसको मजदूरी का काम नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा के नाम पर फर्जी तरीके से लोगों का नाम चढ़ा है और अकाउंट में दूसरे का पैसा जा रहा है, काम वहाँ कुछ हो नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारी एक अभियान चला था जो हर गांव में 10-10 कर्मचारी रखे गए, कभी कोई सफाई नहीं होती है और ये टोटल सत्ता पक्ष के जुड़े लोग हैं, उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है। 3 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग इस मुद्दे को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। आपके साथ कौन-कौन सी पार्टियां हैं? हमारे पास अभी वर्तमान में अम्बेडकर समाज पार्टी है, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी है, हमारी जो पहले की बनी हुई मोर्चा, इसके अलावा अन्य मोर्चा हम लोग एक बड़ा गठबंधन का मोर्चे के नाम रखेंगे जो सब लोग मिल करके यहाँ पे रखेंगे। पहले राजनीतिक विकल्प मंच जिसमें 36 पार्टियां वो भी हम लोगों के साथ है, इसको एक हम बड़ा गठबंधन का नाम रखेंगे। नहीं, मैंने आपको बताया अम्बेडकर समाज पार्टी, भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी, इसके बाद जन विकास पार्टी है हमारे यूपी की, बिहार विकास पार्टी है, ऐसे ऐसे तमाम पार्टियां हैं। वो आप कहेंगे तो मैं ईमेल भी कर दूंगा आप लोगों को। अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का गठबंधन है गोपाल राय जी के साथ आपका? आज गोपाल राय जी के साथ में, मेरा नाम सुरेंद्र मोहन अरोड़ा है, भारत जनाधार पार्टी के साथ में हम लोगों ने आपसी एक विचार इकट्ठे, जो छोटी जो अनरजिस्टर पार्टियाँ हैं इन्होंने मिलके एक मोर्चा तैयारी करने के लिए हमने एक प्लान किया है, जिसका नेतृत्व अभी गोपाल राय जी ने जैसे आपको बताया है। आज देश में बहुत से मुद्दे हैं, एक नहीं है। आज लोगों को जुमलेबाजी से जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, और परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। इस समय युवाओं के लिए ये चुनौती है, और चुनौती का जो मुकाबला जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आज दो पार्टियों ने पूरे देश का सत्यानाश कर रखा है, चाहे वो पहली वाली है या दूसरे वाले मोर्चे जो हैं, ये इन लोगों ने स्वाय अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है, छोटी पार्टियों को डैमेज करने के अलावा और कोई उनका रोल नहीं। इसलिए थोड़ा मैं मोर्चे पे अभी ध्यान दे के सबको अपना एकजुटता में ला के फिर हम आगे इसका नेतृत्व तो प्रॉपर आपके शॉर्टली आपके आगे रखेंगे, उसमें जिसपे मुद्दे हमारे रोटी कपड़ा मकान हर आदमी की ज़रूरत थी, पहले वो मुद्दे थे। आज दूसरे मुद्दे हैं सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी में एक अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है, उसके बाद हेल्थ है, हेल्थ के बाद एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद पर्यावरण है, ये सब जो है फिर रिफॉर्म है, ये सब लाने के लिए हमें बहुत एकजुटता से मिलजुल के काम करना होगा। वो हम आपको इसका रिजल्ट अच्छा देंगे, और हमारा जो नेक्स्ट एजेंडे में जो प्लानिंग है वो आपको पूरा मिशन आपको क्लियर मिलेगा उसमें। ये देश में पूरी जो है इस समय लोकसभा की 543 सीटें हैं, वो 543 के ऊपर पूरे कैंडिडेट खड़े किए जाएंगे। धन्यवाद। पूरे ऑल ओवर इंडिया, हमने झारखंड में और बिहार में, यूपी में, ये तीनों में हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस और कार्यक्रम जारी है। महाराष्ट्र में हमने पहले अपनी पार्टी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ इसी आजाद मैदान में कार्यक्रम किया है, आप लोगों ने कवरेज भी किया है। तो आज ये था कि यहाँ बैठ करके हम लोग एक रणनीति करें और महाराष्ट्र में भी हमारे जो सोए हुए भाई लोग हैं उनको जगाया जाए कि अब ऐसे आंदोलन की आवश्यकता महाराष्ट्र में भी है। जैसे हमारा किसान सड़क पर था, दूध तक गिराया जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में दूध गिराने की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसान सड़कों पर क्यों है, ये सब मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें हम लोग सभी पार्टियों को लोग बैठेंगे, एक और गठबंधन का नाम हम लोग देंगे। ऐसे इस स्थिति में हम लोग पहली बार इस मुद्दे को लेकर के बैठे। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी महागठबंधन बना रहे हैं? नहीं, समाजवादी पार्टी क्या एक सेकुलर मोर्चा बना हुआ है, उसमें 14-15 पार्टियां हैं जिसमें शिवपाल यादव जी थे, और शिवपाल यादव जी ने कल मुलायम सिंह यादव को इसमें जोड़ लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो भी जनहित की बात करेगा, किसानों मजदूरों की बात करेगा, दलितों की बात करेगा, मुस्लिमों के गरीबों की बात करेगा, जो सर्व समाज को लेकर चलने की बात करेगा, हम लोग ऐसे लोगों को जोड़ेंगे और बताएंगे कि ये हमारा प्रोपोगंडा होगा,
इस आधार पे हम सभी लोग चुनाव लड़ेंगे जिसमें किसी भी जाति धर्म देश की भावना न हो, सबको लेकर चलने की बात हो। इस मुद्दों को लेकर के हम सभी पार्टियां एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। ये महीना सबसे बड़ा फैसला आने वाला है राम मंदिर का, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट होने जा रहा है अगले महीने, तो आप क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को किस तरह से आप देखेंगे? राम मंदिर का मुद्दा उठाने वाली भारतीय जनता पार्टी थी और उठाने के पश्चात वो सिर्फ हमेशा कहती है कि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन आज राम मंदिर और धारा 370 जम्मू कश्मीर का उस प्रकरण को छोड़ करके मोदी जी ने जो अभी पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत, जो इन्होंने एक पास किया पार्लियामेंट में कि दलित का कोई भी व्यक्ति अगर लिख के भेज देता है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी होगी और 6 महीने तक उसको जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट से जमानत होगी, जिसमें पूरे भारत में कल एक बड़ा आंदोलन चला है। इसमें अब हमसे किसी से दुश्मनी है, हम किसी दलित भाई को खोजा 2000 रुपया दे करके एक अप्लीकेशन डाल दिया, तो उस सवर्ण और जो पिछड़ी समाज के लोग हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मोदी जी ने गलत काम किया, अगर करना ही था तो राम मंदिर मुद्दे को क्यों नहीं प्रस्ताव पारित करते, बनवाए राम मंदिर। राम मंदिर के निर्माण के नाम पर कई बार इनकी सरकार बनी, स्टेट में बनी, सेंट्रल में बनी, आज भी इनके पास पूरा पावर है, ये कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ लड़ाएंगे दलित मुस्लिम ब्राह्मण सबको लड़ा करके बर्बाद करके अपने चुनाव में पुनः सत्ता में हासिल होना चाहते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर राम मंदिर वहाँ बने, दोनों पक्षों के सहमत से बने, अगर राम मंदिर बन रहा है तो उसमें मुस्लिम भाई भी साथ में हो, मिल करके जो लोग आपसी भाईचारे के माध्यम से करें, या तो फिर सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे उसको सम्मानेंगे सर्वोपरि है, हम उसके पक्षधर हैं। अगर ये चाहते हैं कि नहीं हम हिंदुत्व के नाम पर हिंदुत्व का कार्ड खेल कर आए हैं, इनकी ताकत है दिखावे पार्लियामेंट राज्यसभा में इनका बहुमत है, ये चाहे तो दिखावे कि हमने पार्लियामेंट में पास कर दिया, राज्यसभा में पास कर दिया, अब मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। देखिए गठबंधन हमने बताया कि जो हमारे लोगों के जो गरीबों बेरोजगारों किसानों और हमारे लक्ष्य से जुड़ी हुई पार्टियां होंगी उनको एकजुट हम करने का आंदोलन आज से शुरू कर दिए महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी 2004 से चुनाव लड़ती भी आ रही है, वो बात अलग है कि हर सीटों पे नहीं लड़ती, पार्लियामेंट का भी 5-6 सीट पे लड़ लेती है, असेंबली भी लड़ती है, जो लोग हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको हम लोग लड़ाते हैं और चुनाव लड़ेंगे, मिल के लड़ेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बगल बैठे हैं, हमारा नाम सुरेंद्र सिंह पांचाल है, हम विश्वकर्मा कम्युनिटी से आते हैं। साथियों, देश में चिंता का विषय है, निराशजनक स्थिति है। आज जितने भी इस सरकार की हम आलोचना करें बहुत कम है साथियों, निराशा का दौर साथियों जारी है, या मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, या अटल जी की सरकार हो, या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, नकारात्मक सोच का दौर जारी है, आत्महत्याओं का दौर जारी है, बेरोजगारी का दौर जारी है। आज साथियों इतनी चिंताजनक स्थिति है, अगर जितना भी हम लोग इस पर हम लोग चर्चा करें शाम तक, ये बहुत कम है साथियों। आज कोई भी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कोई बात नहीं कर रही, कोई पार्टी बात नहीं कर रही है, SC ST एक्ट पे कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है, बेरोजगारी पे कोई पार्टी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर इस दौर को अगर खत्म करना है तो हमें एक देश को विकल्प देना पड़ेगा, और विकल्प ऐसा होना चाहिए, ठोस विकल्प होना चाहिए। ये आत्महत्याओं का दौर अगर रोकना है, बेरोजगारी का दौर रोकना है, तो हमें साथियों इस देश में एकजुटता हमें पैदा करनी पड़ेगी। अगर हम इस देश में एकजुटता पैदा नहीं करेंगे, अगर वैचारिक रूप से हम लोग अपने आप एक समझौता नहीं करेंगे, तो
तो साथियों हमें नहीं लगता कि आने वाला जो समय है देश के लिए अच्छा होगा, बल्कि प्रार्थना है कि आप भी देश के प्रति एक अच्छी सोच, जो हमारी सोच है, उसको आप पूरे जन जन तक पहुंचाएं। और अगली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हम उसमें आपको एक देश के सामने एक अच्छा विकल्प देंगे, एक अच्छी सोच देंगे, एक अच्छा समय देंगे, एक अच्छा भविष्य देंगे देश के लिए। साथियों सर, महाराष्ट्र में ऑलरेडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां, तो क्या आपको लगता है कि आपके पार्टी के साथ उनको जुड़ना पसंद करेंगे? देखिए मैडम, मैंने बताया आज सिर्फ अगर एक लड़ाई है तो विचारों की लड़ाई है, विचारों का हमारा आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। हम बैठ के छोटे छोटे दलों से हम लोग बात कर रहे हैं कि विचारों का आदान प्रदान कैसे हो और समाज को कैसे बचाया जाए, देश को कैसे बचाया जाए। हमें बड़े और छोटे दल से हमें कोई वास्ता नहीं, सिर्फ वास्ता में विचारों से है। अगर हम देश के प्रति अच्छी सोच रखते हैं, देश के लिए कम कुछ त्याग करना चाहते हैं, तो वो कोई भी व्यक्ति अगर संगठन चला रहा है हम उनसे बात करेंगे, जो हम आपसे बात करेंगे, हम देश को अच्छा विकल्प देना चाहते हैं। मतभेद नहीं करेंगे हम देश के लिए, समाज के लिए जो भी वैचारिक रूप से मजबूत होगा हम उसको अपने साथ रखेंगे। हम किसी तरह से कोई हम समझौता आने वाले समय में किसी भी दल से हम नहीं करने जा रहे हैं। अभी जिस तरह से मोदी जी अभी ये किसानों के लिए लाए हैं, हमारी ये प्लानिंग है कि इसको हम अभी जो शॉर्टली ये अभी कुछ ही समय में हम आपके सामने एक किसानों के बारे में एक प्रोग्राम रखेंगे, उनको कैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से कोई फ़ायदा नहीं है ना ये दे पाएंगे, उससे अच्छा है किसानों को कर्ज से मुक्त कैसे दिलाना है, वो एक है मेन इशू। दूसरा उसका आगे के लिए उपज उसका किस तरह से लेना है, वो बाटर सिस्टम से उसको चलाया जाएगा। बाकी आप बोलेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने से आपको इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। दूसरा आज जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, बार हमारे जो ये इस समय एनडीए सरकार जो है बार यही पेट्रोल जो सा है आधे रेट पर दे रही है और ये महाराष्ट्र ये अपना देश में ये 70 से 80 रुपए के करीब आपको लोगों को मिल रहा है। रहा सवाल इसको एक मोदी सरकार आज तक जीएसटी में इसको क्यों नहीं ले पा रही, ये जीएसटी में लेना बहुत ज़रूरी है, वो उसमें ये सरकार किसी भी हर हालत में फेल हो चुकी। स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर जो इनके हाथ में है वो लोगों को अभी तक पास ऑन नहीं कर रहे, तो वो एक मेन मुद्दा है अपना। करके सुप्रीम कोर्ट में का आदेश को इन्होंने ठुकरा करके SC ST आदेश लिया करके ऐसी व्यवस्था बना दी है कि एक गरीब ब्राह्मण है लेकिन वो आरक्षण का आरक्षण उसको नहीं मिलता। तो हम लोग ये चाहते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, जो गरीब व्यक्ति है चाहे वो किसी भी जाति समाज का हो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी को समझ में नहीं आता बिहार UP में पिछले 2 महीने में कम से कम 2 दर्जन परिवार के घर हादसा हुआ है जो खाने के बगैर मर चुके। ये स्थिति अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये सरकार कैसे चल रही है। हम कहते हैं कि जिनको राष्ट्रपति हमारे हैं वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके परिवार को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो सक्षम है। मायावती जी को नहीं मिलना चाहिए, रामदास आठवले जी को नहीं मिलना चाहिए, क्यों? ये सक्षम है। जो गरीब दलित है उसको जरूर मिलना चाहिए, जो गरीब ब्राह्मण है उसको जरूर मिलना चाहिए, जो गरीब विश्वकर्मा है उसको जरूर मिलना चाहिए, गरीब कोई भी व्यक्ति हो उसको जरूर मिलना चाहिए आरक्षण, क्योंकि उसको देखिए उसको खाने को नहीं है लेकिन वो जनरल कैटेगरी का है, वो OBC का है। ये गलत हो रहा है, सरकार को इसको देखना चाहिए। सरकार केवल हिंदू मुस्लिम दलित लड़ा करके राजनीति करके आगे जाना चाहती है। मोदी जी ने जो पहले सब दबाग दिखाया था, अब की बार मोदी सरकार निश्चित रूप से एक फेलवर सरकार, अब ये सरकार जिंदगी में इनकी बनने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में इनको सीट कितनी मिलेगी? 6-7 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। और पुनः मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। जय हिंद जय भारत। बड़ी बात आपने किया, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर एक गरीब व्यक्ति के ऊपर कोई भी आदमी फर्जी तरीके से अगर दलित एक्ट की बात करता है तो उसको पहले जांच किया जाए, अगर वास्तव में दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या गलत कहा और मोदी जी ने क्या किया, उसको पार्लियामेंट में पास करा दिया कि केवल अप्लीकेशन दो,
दलित एक्ट के लगा करके उसको अंदर कर दो, 6 महीने बाद वो अप्लाई करेगा। अभी आपने देखा नोएडा में कर्नल साहब के साथ क्या हुआ, कर्नल साहब के साथ एक एसडीएम की पत्नी ने मारा, उनका बॉडीगार्ड ने भी मारा और उनको दलित एक्ट लगा के जेल के अंदर बंद दिया। इन्होंने सीमा पर 15 मेडल जीते थे, अब जब जेल के अंदर चले गए तो सैनिक जो देश हित में लड़ाई लड़े थे उन्होंने कहा कि यार ये कैसा क्या हो रहा मेरे देश में। फिर उन्होंने सीसीटीवी देखना शुरू किया, फिर उसकी फुटेज निकाला, वहाँ के डीएम को दिया और डीएम को देने के बाद डीएम ने कहा अरे ये तो गलत हो रहा है, 75 साल के एक बुजुर्ग आदमी जो देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुत देने की स्थिति में था उसके ऊपर ऐसा गलत एक्ट लगा करके जेल भेजा जा रहा है, तो निश्चित रूप से अब जमानत मिली है। इस तरह से वास्तव में मोदी जी को ये जरूर कहना चाहिए कि जो गलत है उसको सजा जरूर मिले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो। ये साथियों आज इस देश को एक लीडरशिप की जरूरत है, विकल्प की जरूरत है, हम विकल्प आपको देने जा रहे हैं, देश को विकल्प देने। अंधेरी में आप अपने विचार दूंगे, वो आपको सबके कार्ड देते हैं, सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो उस जजमेंट के खिलाफ सरकार को इस टाइप का कोई विश्वासघात और जनरल पब्लिक को परेशान करने की जरूरत नहीं थी। मैं सरकार को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की तरफ से, कि जनरल पब्लिक अगर सड़क के किनारे उतर आएगी तो मोदी साहब की छोटी मोटी चट्टानों को तोड़ डालेगी। जनरल पब्लिक अगर सड़क के किनारे उतर आएगी तो मोदी साहब जैसी छोटी मोटी चट्टानों को तोड़ डालेगी। और संतला भाई तो हमें भी इधर 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 सर इधर हाँ खड़ा 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 हो जाएगा, खड़ा हो जाइए, हाँ सही।